हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं हेल्प सीरीज यूट्यूब चैनल। आइए, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप का फोल्डर आइकॉन कैसे चेंज किया जाता है तथा उसे कलरफुल कैसे बनाया जाता है। इसके लिए आप जिस किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप के फोल्डर का आइकॉन चेंज करना चाहते हैं या फिर उसे कलरफुल बनाना चाहते हैं, उस आइकॉन को खोल लें। आप जिस भी फोल्डर को डिजाइन चेंज करना चाहते हैं उस फोल्डर पर लाइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करें, उसके बाद कस्टमाइज पर क्लिक करें, चेंज आइकन पर क्लिक करें। चेंज आइकन पर क्लिक करने के बाद आपके लैपटॉप में पहले से उपस्थित विभिन्न प्रकार के आइकॉन दिखाई देंगे। यदि उसमें से कोई से भी आप अपने फोल्डर में यूज करना चाहें तो उस पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करें। पुनः यहाँ अप्लाई पर क्लिक करें, अब ओके पर क्लिक करें। ऐसा करने से आपका फोल्डर में वो आइकॉन आके लग जाता है। आप एक बार रिफ्रेश करें, वो दिखाई देने लगता है। यदि आप किसी भी फोल्डर में और भी विभिन्न प्रकार के आकर्षक डिजाइन तैयार करना चाहते हैं तो पुनः उस फोल्डर पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें, कस्टमाइज पे क्लिक करें, चेंज आइकन पर क्लिक करें, ब्राउज पे क्लिक करें और आपके लैपटॉप में पहले से उपस्थित यदि कोई फाइल है तो उस वहाँ जाए जहाँ पे वो फाइल रखा हुआ है और उसके बाद जिस भी आइकन को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस आइकन पर डबल क्लिक करें। जैसे मुझे ये आइकन चाहिए तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे और पुनः ओके पर क्लिक करेंगे और एक बार रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करते ही वो आइकॉन हमारे फोल्डर पर अप्लाई हो जाता है। यदि आप इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के फोल्डर का डिजाइन या फिर आइकॉन अगर लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का फॉलो करें। वहाँ आपको विभिन्न प्रकार के बहुत सारा फोल्डर आइकॉन मिल जाएगा और उसे यूज करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।